हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, सुबह का टाइम हो गया है और मैंने कर लिया है अपने लिए एक गिलास गर्म पानी। और आज सोच रही थी कि इसमें नींबू डाल कर लूँगी। अब थोड़ा थोड़ा मतलब हम वो करूँगी, वेट लूज की जर्नी अपनी स्टार्ट करूँगी। लेकिन सुबह ही उठी तो गला इतना ज़्यादा जाम हो रहा है। और कल ही मुझे लग रहा था, मेरी ना हल्की हल्की सी मुझे खांसी आ रही थी। और कल मेरा इतना मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, तो बस मैंने एक आइसक्रीम भी खाई थी खूब ठंडी ठंडी सी। तो अब सुबह ही उठी तो ये सब कुछ ना जाम हो रहा है। और आज है 2 अक्टूबर, तो आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों की छुट्टी है, अभी सो रहे हैं, जैसे कि परी सो रही है। और ये देखो, ये ना सुबह ही उठ गया और मैं लेटी थी, ये बाहर से उठ के आया। ये सोच रहा मम्मी सो रही होगी तो मैं फ़ोन चलाता रहूँगा, लेकिन मैं उससे पहले उठकर फ़ोन चला रही थी। तो ये देखिए, ये उठ गया है। गोलू गैस चूल्हे वाला आ रहा। जो गैस चूल्हा ठीक करवाया था ना, वो 2 दिन से ही चला और एक चूल्हा ना बहुत ज़्यादा कम जल रहा है। तो और वो ना जब से भैया दिखे भी नहीं है, वो बोल रहे थे मेरे नंबर ले लो, लेकिन मैंने उनका नंबर नहीं लिया। मैंने कहा ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी जो नंबर लूँ, तो मैंने नंबर ही नहीं लिया है। चलो पानी पी लेती हूँ, फिर करती हूँ अपने काम। गर्म पानी पी के ना बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, जब गला दर्द हुआ रहता है ना, बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तो गाइस, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था और नहाकर मैं लगा दूंगी जोत, उसके बाद मैं करूंगी अपने आगे का काम। अभी ना सिर्फ मैंने अपने दोनों कमरे समेट कर झाड़ू पोछा कर लिया था और बस मैं नहा ली थी। मैंने कहा पहले जोत लगा देती हूँ और बाद में जो कि बर्तन होते हैं एक दो और जो कि और काम होते हैं मैं बाद में करूँगी। तो अभी बस मेरा इतना ही काम हुआ है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मैंने दोनों बच्चों को भी उठा दिया था। और पहले मैं इनको बोल रही थी कि आप लोग नहा लो, मैं तभी चाय दूँगी, लेकिन ये छुट्टी का दिन इतना आलस करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा आलस करते हैं, तो ये नहाए नहीं थे। तो बस मैंने फिर चाय बना ली थी। मैंने कहा कब तक मैं ऐसे ही रहूँगी, तो ये नहाए नहीं थे दोनों, तो मैंने इधर चाय बनने रख दी है। मैंने कहा चाय बन जाएगी तो मैं चाय बच्चों को नाश्ता करा दूँगी, क्योंकि एक बार नाश्ता हो जाएगा ना तो फिर खाने की इतनी टेंशन नहीं रहेगी कि अभी खाना भी बनाना है। तो बस पहले मैंने वही बाहर का ही नाश्ता किया था, जैसे कि नमकीन बिस्किट विस्किट वही खाए थे। तो देखिए चाय बन गई है, मैं छान लूँगी सबकी चाय। और इधर मैंने कान्हा जी के भी लिए कर दी है तैयार सबकी चाय। और जी ये देखिए, इधर हम तीनों की हैं और रस है, बिस्किट है और जो कि नमकीन है, बस यही था। मैंने कहा चलो यही खा लो, इनके पापा तो चले गए थे तो मैं तो आए थे आएंगे नहीं, तो मैं बोल रहे थे मैं बाद में ही आऊँगा। और ये है हमारे कान्हा जी का नाश्ता, तो चलिए जी हम भी नाश्ता कर लेते हैं। पहले मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया था और उसके बाद फिर हम भी चलो कर लेते हैं। तो जी थोड़ी सी मैंने सिलाई की है और मैं आ गई हूँ अब किचन में, दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैं सोच रही थी आज ना मैं खिचड़ी बनाती हूँ, मतलब नमकीन चावल, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से बनाती हूँ। तो बस देखिए, मैंने ना खूब सारी प्याज काटी थी और खूब सारा ऑयल डाला था, क्योंकि जब मैं कुछ स्पेशल सी ऐसे नमकीन चावल बनाती हूँ ना, तो उसमें प्याज और टमाटर मतलब मसाले सब कुछ ज़्यादा ही रखती हूँ ताकि वो और ज़्यादा टेस्टी सी बने। तो मैंने इसमें 2 प्याज डाले थे बारीक बारीक काट कर, और 2 ही टमाटर, बहुत बड़े बड़े थे, 2 ही टमाटर डाले थे, और 3-4 हरी मिर्ची।
और ये मैं अपने रेगुलर इसमें सारे मसाले डाल दूंगी, जो कि हल्दी, धनिया, मिर्ची, यही मैं डालती हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको भुनने दिया था, और मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला था और थोड़ा सा डाला था अचार का मसाला। तो गाइज़ आप भी ऐसे नमकीन चावल बनाकर देखना, एक बार बनाओगे ना तो बार बार बनाओगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बस आलू डाले थे, जैसे कि आजकल तो कुछ सब्जियाँ होती नहीं है, मटर वटर तो कुछ होता नहीं है, तो बस मैंने इसमें एक आलू काट कर बारीक बारीक सा डाल दिया था। और बस देखिए अब मैं इसमें थोड़ा ही पानी डालूंगी, क्योंकि ये ना मैंने आज ही चावल बनाए मंगाए हैं, और ये बोल रहे थे कि इनको ना बनाकर देखना कैसे बनते हैं, तो बस मैंने इसलिए आज इनको ही बना लिए थे, क्योंकि चावल ख़त्म हो गए हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो अब बाहर से ही चावल आए थे, तो ये चावल लेकर आए थे रात में, और बस मैंने इधर पुलाव बनने रख दी है अपनी नमकीन चावल, और इधर ना मट्ठा आया हुआ था, फिर मैंने सोचा कि चलो मट्ठा छोंक लेते हैं। तो देखिए मैंने इसमें ना अपना हल्की सी लाल मिर्ची डाली थी, और काला नमक और सफ़ेद नमक, तो डालकर मैं ना इसमें थोड़ा सा जीरा भूनकर डाल दूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इनके पापा तो पीते भी नहीं है, अगर जीरा ना डालो तो वो कहेंगे कि जीरा क्यों नहीं डाला है इसमें। तो बस मैंने थोड़ा सा जीरा तवे पर भून लूँगी, ब्राउन सा कर लूँगी उसको हल्का सा, और उसका ना हल्का सा हाथों से मसल कर डालूंगी, और ऐसे ही मैं इसको ना ढककर रख दूंगी, और इतने मेरी पुलाव भी बन जाएगी। सैलेड मैंने काट ली थी, जैसे कि बस सैलेड में कुछ नहीं था, प्याज मैंने काट ली थी, मैंने कहा कुछ हो तो अच्छा लगता है, प्याज व्याज खीरा मूली हो तो, लेकिन खीरा मूली नहीं थी, बस प्याज ही थी। और जी ये देखिए चावल कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं ना एकदम, और बहुत ही अच्छे चावल थे ये, पहली बार मैंने ट्राई किए हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। तो गाइज मैंने भी खाना ले लिया है, बच्चों ने खाना खा लिया है, और मैं सोच रही थी इनके पापा आ जाए तभी मैं खाऊंगी, लेकिन 2:45 बज रहे हैं, मैं अभी तक नहीं आए हैं, तो भूख भी लग रही थी मुझे। मैंने ली है थोड़ी सी प्याज काट ली है, खीरा था नहीं तो खीरा नहीं काटा है, और ले लिया है साथ में मट्ठा। तो आ जाइए गाइज, आप लोग भी दोपहर का खाना इंजॉय कीजिए मेरे साथ में, और चलिए मैं खा लेती हूँ, और फिर देखते हैं उनके पापा कब आएंगे, तो मैं अपना खा लेंगे, क्योंकि उनका पता नहीं कब आएंगे, कब से मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत ज्यादा खट्टी हो रही है ये, तो मैं तो पी भी लूंगी, लेकिन इनके पापा बिल्कुल नहीं पी पाएंगे, और पता नहीं फिर कैसे खाएंगे, क्योंकि उनको चाहिए दही जरूर, और मैंने दही इसलिए नहीं बोला था, मैंने कहा चलो मट्ठा है तो मैं मट्ठा ही छोंक देती हूँ। ये ना हमारे यहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं तो वहां से आया था, लेकिन ये हो रहा है बहुत ज्यादा खट्टा, तो मैं तो नहीं पी पाएंगे। अब देखते हैं मैं कैसे खाते हैं, वैसे तो घी डालकर खा लेंगे। तो जी खाना वाना हो गया था हमारा, हस्बैंड भी आ गए थे और मैं बस लेट गए थे, और मैं हो रही हूँ रेडी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो जी वो आपको मैं बाद में ही बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। चलिए अभी तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे इतने तुम रेडी होते हो, मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ, क्योंकि उनको ना सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने अपना यही वाला सूट पहन लिया था, ये ऊपर रखा था, मैंने कहा चलो इसको ही डाल लेती हूँ। और बस खाना तो खा कर ना आलस सा आ रहा था, लेकिन वहाँ मुझे जाना था, क्योंकि मैं उन्होंने कई बार बुलाया था, लेकिन मैंने कहा चलो आज चलते ही हैं, और मैं बताऊँगी आगे आपको कि कौन है और कैसे कैसे क्या है। तो चलिए अभी तो मैं रेडी हो जाती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद में। तो जी देखिए जहाँ पर हमें आना था हम आ गए हैं, और आ गया है हमारा नाश्ता। ये देखिए इतनी सारी चीज़ें रख दी थी, और आपको बता देती हूँ मैं कहाँ पर आई हूँ। तो ये ना मेरी YouTube से ही बहुत ही अच्छी फ्रेंड बनी है, और एक बड़ी बहन की तरह भी है, बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब एक छोटी बहन की तरह ही मानती है, और इनसे मिलकर ना मुझे इतना अच्छा लगा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और इन्होंने ना मुझे वीडियो में ही देखा था, ये ना मेरे ब्लॉग बहुत दिन से देखते थे, लेकिन इनको जब ये पता चला ना कि यहीं के हैं, तो इन्होंने मुझे कई बार बुलाया, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था इनसे बात करके। तो फिर आज मैंने सोचा चलो चलते हैं, और इनसे मिलके सच में बहुत ही अच्छा लगा है। तो गाइज़ ये देखिए ये दीदी हैं,
और ये देहरादून में ही रहती है, हमारे घर के थोड़ा सा दूर रहती है, और यहाँ पर हम अपनी चाय इंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारी हमने बातें की हैं। ये आंटी है, इनकी सास और ससुर, और मतलब सभी इतने अच्छे थे ना, बहुत ही अच्छे थे। तो गाइज़ इनकी आईडी मैं मेंशन कर दूंगी, आप उनको भी प्लीज़ सपोर्ट करना। मैं देखती हूँ मेरे फ्रेंड्स कितना उनको सपोर्ट करेंगे, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी ये कि आप इनको भी ज्वाइन कर लेना। मैं इनकी आईडी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जी देखिए, ये हैं इनके बेटे, हमने बहुत सारी बातें की है, मैंने कहा चलो थोड़ी देर बेटे से भी मिल लेते हैं। और यहाँ पर हमारे चलने का टाइम हो गया है, बिल्कुल भी ज़्यादा रुके नहीं थे हम, बस अब हम चल दिए हैं अपने घर को। और आंटी जी देखिए, बहुत ही अच्छी थी आंटी जी भी। शाम के 5:15 बज रहे हैं और हम घर पर आ गए हैं, और उनसे मिलकर इतना अच्छा लगा, मतलब लगा ही नहीं है कि हम किसी अजनबी से मिल रहे हैं या कोई ऐसे यूट्यूब से कोई है, मतलब इतना अच्छा लगा मिलकर, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं हम कब से एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही थी, जबकि जाने से पहले ना मन में ऐसा हो रहा था कि पता नहीं कोई कैसा होगा, कैसा माहौल होगा, लेकिन उनसे मिलकर सच में इतना अच्छा लगा ना, बहुत ही अच्छा। और जो अंकल आंटी थे उनके सास ससुर, वो भी बहुत ही अच्छे थे, इतने प्यार से उन्होंने बात की, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने एकदम से, बहुत ही अच्छा लगा मिलकर। और उनके 3 बच्चे भी है, बच्चों से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। तो गाइज उनको भी आप सपोर्ट करना, मैं आईडी मेंशन कर दूंगी। और बस दुख किस बात का है कि अभी तो ऐसा लग रहा है अभी तो गए थे और अभी आ भी गए, बस वो ना हस्बैंड के पास टाइम नहीं था ज़्यादा, तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं रुके। आगे कभी जाऊँगी ना तो ढेर सारी बातें करूँगी और काफ़ी टाइम रुकूंगी ताकि मन एकदम से खुश हो जाए। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, सच में पहली बार मिलकर किसी यूट्यूब फ्रेंड से इतना अच्छा लगा है मुझे, बहुत ही अच्छा लगा है उनसे मिलकर। तो जी यहाँ शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ प्याज फ्राई, क्योंकि मैं बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी, और मैंने सारी तैयारी कर ली थी। वहाँ से आई तो घर को अच्छे से समेटा, झाड़ू वाड़ू लगाई, जो कि 2-4 बर्तन थे उनको साफ़ किया, और यहाँ पर बस मैं लग गई थी खाना बनाने की तैयारी में। और आज मेरी नंद के लड़के भी आएंगे वासु, जो कि आप लोग जानते हो, तो मैंने सोचा चलो पनीर ही बना लेती हूँ। मेरा ना बहुत दिन से चाप खाने का मन कर रहा था, जो कि सोयाबीन वाली चाप होती है ना, और वो यहाँ पर मिल नहीं रही है। आज भी मैंने कई बार इनको मतलब बोला था, कई दुकानों पर देखकर आए थे, लेकिन ये बोलने लगे कि चाप नहीं मिली, और एक आध दुकान पर थी भी तो बोलने लगे ख़त्म हो गई है। फिर मैंने बोला चलो पनीर ही लिया ना, पनीर ही बना लेंगे। तो देखिए मैंने ग्रेवी तैयार कर ली है और मैंने इसमें क्रीम डाल दी है। अब मैं इसको ना क्रीम डालकर भी थोड़ा सा भूनूंगी जब तक इसमें ऑयल नहीं आ जाएगा। और ये देखिए कितना अच्छी ग्रेवी लग रही है ना, एकदम होटल जैसी। तो जी ये देखिए पूरा खाना बनकर तैयार हो गया है, चावल और सब्जी, और मैंने बनाई थी बेसन की रोटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बेसन की रोटी ना नान से भी अच्छी लगती हैं। तो देखिए बच्चों को भी मैंने खाना दे दिया था और मैं भी खाना खा रही हूं। तो गाइस रात के 9:30 बज गए हैं और इंतजार करके खाना भी खा लिया है, रोटी भी सेक ली थी, और वासु का इंतजार कर रहे थे कि वासु आएगा, जैसे कि हर बार घर से आता था तो आता था पहले, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, 9:15 बज गए। और मैंने बेसन की रोटी बनाई थी गरम गरम, फिर मैंने बच्चों को भी खाना दे दिया था और मैंने भी खा लिया था। और फिर जाके जैसे कि मेरे फ़ोन नेट से ही चलता है, मैं वाईफाई ही कॉल ही करती हूँ, मतलब व्हाट्सअप कॉल ही करती हूँ, तो उसका नेट बंद था, उससे मेरी बात नहीं हो पाई। फ़ोन मैंने उसको कई बार किया, लेकिन वो फिर उसका फ़ोन अब आया कि मैं सीधा अपने फ्लैट पे ही चला गया हूँ। मुझे इतना वो लगा, मैंने कहा मैंने खाना भी बनाया था और आया क्यों नहीं, बोलने लगा मुझे फिर कॉलेज भी जाना था सुबह ही, फिर वही दिक्कत होती सुबह जाने में, तो वो सीधा उधर से उधर ही चला गया है। लेकिन दुख सा लग रहा है, मैंने खाना बनाया था, आता खाना वाना खाता, पनीर की सब्ज़ी, मैंने कहा चलो पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ और चावल बना लूँगी, और बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, लेकिन वो नहीं आया। तो जी चलिए कोई नहीं, हमने खाना वाना खा लिया है और बस हस्बैंड जी नहीं आए हैं अभी, वे आ जाएंगे तो वे भी खा लेंगे और चावल भी बचेंगे, रोटी भी बचेगी, रोटी भी बना रखी थी उसके हिस्से की, लेकिन चलो कोई नहीं कल काम आ जाएगी। बेसन की रोटी बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और जी चलिए मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ, कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट, टेक केयर।